हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपको हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएंगे जिसका नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वर्सेस लमसम। आप सभी के माइंड में मैंने पुराने वीडियोस में एसआईपी और लमसम रूट का बार बार इस्तेमाल किया है। दोस्तों, एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, एसआईपी पीरियोडिक वे में इन्वेस्टमेंट होता है, रिकरिंग वे में इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं आपको सिंपलिसिटी के लिए बताना चाहूंगा, एसआईपी जैसा कि आप सबको पता होगा एक रिकरिंग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है और यह है वन टाइम। जो लमसम है वो कुछ फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, वन टाइम पे इन्वेस्टमेंट होता है। बट एसआईपी हमेशा रिकरिंग होता है, हमेशा पीरियोडिक होता है और ये नॉन पीरियोडिक होता है। तो दोस्तों, एसआईपी वर्सेस लमसम, इसमें पहला पॉइंट तो हमारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर है, वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट है जो कि एवरेजिंग के बारे में। मार्केट में आप सभी ने सुना होगा एवरेजिंग। आज के टाइम वही बंदा सक्सेसफुल है जिसने एवरेज करके कंपाउंडिंग का फायदा उठाया है। तो हमेशा जो ये वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है एसआईपी का, इसमें एवरेजिंग हो रहा है। सपोज कभी मार्केट ऊपर है, कभी मार्केट नीचे है, अपना जो फंड है वो तो दोस्तों उसका जो इनफ्लो है वो कंसिस्टेंट है ना, तो उस बेसिस पे हमें यूनिट्स कम और ज्यादा मिलते हैं, जिसका फायदा हमें एवरेजिंग के थ्रू होता है। और इसमें नॉन एवरेजिंग कहते हैं, जो कि सेकेंड रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें हम लोग नॉन एवरेजिंग कहते हैं। नॉन एवरेजिंग मतलब लमसम में कोई एवरेज नहीं होता है, उसमें सबसे बड़ा रिस्क वही है। आज आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे है या ऊपर है, अगर आपने उस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा दोस्तों स्टक हो गया। स्टक मतलब फंस गया, हो सकता है आपको फ्यूचर में इसका खामियाजा उठाना पड़े। तीसरा चीज, डायनेमिक व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है एसआईपी। डायनेमिक मतलब ये हमेशा इसकी जो पीरियडिसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, इसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। बट हम लोगों का जो लमसम है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब वन टाइम कर दिया आपने उसको इन्वेस्टमेंट, और उसको फिर उसमें रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। चौथा पॉइंट, उसको बेटर मैनेजमेंट के लिए आपको बार बार चेक करना पड़ता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं होती है, मतलब लमसम में आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ता है कि अरे अब मेरा कहीं फंड नीचे तो नहीं चला गया। बट एसआईपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज मार्केट विल टेक केयर ऑफ इट। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ एवरेजिंग विल टेक केयर ऑफ इट। अगर दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एसआईपी का हमेशा से परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है एज कंपेयर टू द रूट ऑफ That lumsum, क्योंकि लमसम में हमेशा एक रिस्क तो होता ही है। कम हमने इन्वेस्ट किया और मार्केट गिर गई और फंड की वैल्यू कम हो गई, तो उसमें हमेशा जो हमारी जो फंड होती है वो रिस्क पे होती है। बट लॉन्ग टर्म में लमसम ने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एसआईपी हमेशा नए लोगों के लिए रिकमेंडेड है, बट लमसम एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर, एक पुराना इन्वेस्टर के लिए सही है। नए इन्वेस्टर को सबसे पहली चीज क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझनी जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, उसका पैसा का उसको बेटर रिटर्न मिले। और तीसरी चीज क्या जरूरत है नए इन्वेस्टर को, कि उसको मार्केट हमेशा कभी पॉइंट और टाइम करने की जरूरत नहीं पड़े। और लमसम इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल उल्टा होता है, एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर के लिए होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। कई लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लमसम इन्वेस्टमेंट के कई फायदे भी हैं। अगर आप एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर है, अगर आप एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट में भी काफी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा बिल्कुल एक सटीक से टाइम पे लग रहा है, जिसको कहते हैं अगर मार्केट लो पे आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपका एक अच्छा रिटर्न आए। बट इसके लिए काफी स्किल की जरूरत है। सो हमेशा याद रखिए, आज ही अपने रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए और अपने रिस्क के हिसाब से ही अपने इन्वेस्टमेंट को चुनिए। लमसम और एसआईपी दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं, बट अगर आप मुझसे पूछिएगा तो एक स्टार्टिंग इन्वेस्टर के लिए, एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए हमेशा एसआईपी रूट सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को टैक्स फॉर वेल्थ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।